हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नियमित शिक्षकों की भर्ती से लेकर हर जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं। उसी के संदर्भ में मैंने अपने फेसबुक पेज @AtulKumarSharma09 पर इस कंपटीशन की बेस्ट बुक्स पोस्ट कर दी है। चाहे बात करें वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की, इन्हें आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन। अमेजॉन की लिंक शेयर की है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ लोगों को विशेष बधाई देना चाहता हूं, थैंक्स देना चाहता हूं। जैसे कि इनके कल ही कमेंट्स आए हैं, हमारे प्रशंसक सेब हैं। इन्होंने लिखा है कि सर, मेरा CTET क्लियर हो गया है, थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेशन। इनका CTET क्लियर हो गया है, ये बहुत अच्छे इंसान हैं और प्रशंसक से अक्सर मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं, बहुत अच्छी कमेंट्स करते हैं। और इनकी मेहनत और लगन है कि इन्होंने CTET क्लियर कर लिया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इन्हें आगे चलकर इसका बहुत लाभ भी होना है। तो दोस्तों, इनकी मेहनत है, हालांकि इन्होंने सिरे कुछ मुझे दिया है, लेकिन मैं नहीं मानता कि 0.001% भी मेरा कोई सिरे है। ये आपकी मेहनत है, बड़ों का आशीर्वाद है। दूसरा जो खुशी की बात है वो सौरभ विश्वकर्मा जी ने दी है मुझे। इन्होंने लिखा कि सर, मेरा रेलवे के CBT 1 भी क्लियर हो चुका है, बस आपकी वजह से। बहुत बहुत बधाई हो आपको सौरभ विश्वकर्मा जी। और अक्सर ये मेरे चैनल से जुड़े हैं बहुत पहले से और ये भी बहुत अच्छी कमेंट्स करते हैं, हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं। और साथ में इन्होंने मुझे जो सिरे दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन इस चैनल का ये सौभाग्य कि आप जैसे लोगों से जुड़ पाए जो इतने मेहनती है। आप जब भी कोई कंपटीशन क्लियर करते हैं तो उसका सिरे इस चैनल को देते हैं, जबकि ये आपका बड़कपन है। मैं नहीं मानता कि इसी चैनल ने कुछ ऐसा किया है जिससे कि आपको ये जॉब मिल जाए। हाँ, मेरा इतना है कि मैं आपके पास सही सूचना पहुँचा सकूँ, सिर्फ सूचना पहुँचाना मेरा काम है। बाकी की सब मेहनत, लगन, आशीर्वाद जो आपके बड़ों का है, गुरु का है, उसके आधार पर ही आप कोई पोस्ट प्राप्त करते हैं, कोई सफलता प्राप्त करते हैं। तो हमारे प्रशंसा सिब और सौरभ विश्वकर्मा जी को तहे दिल से बधाई हो। ऐसे ही आप उन्नति करते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें, यही मेरी मैं कहूंगा कि भगवान से प्रार्थना है। और दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर, न्यूज में कहा जा रहा है कि 29 जनवरी से एग्जाम शुरू हो जाएंगी, ये कहाँ तक सही है। ये कहा जा रहा है कि 29 जनवरी को वर्ग 1 के एग्जाम शुरू हो सकते हैं और जैसे कि हम माने के 19 फरवरी से वर्ग 2 के एग्जाम, तो ये कहाँ तक सही है। ऐसे कोई वीडियो आ रहा है शायद, मुझे तो अभी तक मिले नहीं, या किसी हो सकता है समाचार पत्र में ये न्यूज आई हो, तो इसे हम कैसे माने। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें जो आपकी एग्जाम डेट बताई गई थी वो 29 दिसंबर थी, और इन्हें जो नया उन्होंने फ्रेश विज्ञप्ति जारी की थी उसमें कहा था कि 1 महीने आपके जो एग्जाम है वो आगे बढ़ा दिए गए हैं और इसकी पृथक रूप से आपको जानकारी दी जाएगी। तो इस आधार पर ये कहा जा रहा है कि 29 जनवरी से वर्ग 1 का एग्जाम हो सकता है और 19 फरवरी से वर्ग 2 का एग्जाम हो सकता है, उसी आधार पर, इसका कोई और दूसरा आधार नहीं है। क्योंकि जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने नोटिस जारी किया था उसमें साफ कहा गया था कि 29 जो 1 महीना आगे बढ़ा दिया, तो उस हिसाब से हम 29 दिसंबर को 29 जनवरी से जोड़ सकते हैं और 19 जनवरी को हम 19 फरवरी से जोड़ सकते हैं। तो इसी आधार पर बताया जा रहा है कि आपके एग्जाम इस समय पर हो सकते हैं। दूसरी बात एग्जाम होने की, कि लोकसभा चुनाव से पहले ये एग्जाम होना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो उससे पहले ये एग्जाम हो जाएंगे। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि वर्ग 3 के सर वैकेंसी आई कि नहीं आएगी, तो बिल्कुल आएगी वर्ग 3 की, क्योंकि जो हमारे MP एजुकेशन पोर्टल ने आदेश किया था वो वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों की एग्जाम के लिए था। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 की तो वैकेंसी आ गई थी, फॉर्म भी फिल हो गए थे, अब वर्ग 3 की बहुत जल्दी आएगी। तो दोस्तों, ये था कि ऐसी न्यूज आ रही है तो हमें मानना चाहिए, क्योंकि आधार तो वही है हमारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के नोटिस का। तो बिल्कुल आप तैयारी जारी रखें। यदि बाई चांस 29 जनवरी को आपके यदि एग्जाम होते हैं तो मेरे हिसाब से 15 या 16-17 जनवरी तक आपके जो प्रवेश पत्र हैं वो जारी हो जाएंगे, तभी आपके 29 जनवरी से जो है वर्ग 1 के एग्जाम या 19 फरवरी से वर्ग 2 के एग्जाम हो सकते हैं। उसी के आधार पर ये न्यूज चलाई जा रही है, तो यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद दोस्तों, एक और क्वेश्चन आया, शायद आपने देखा होगा, शायद मैंने भी महसूस किया कि जैसे ही मैं वीडियो डालता हूं तो एक डिसलाइक आता है शुरू में, वीडियो डालते ही 2-3 सेकंड के अंतर्गत। तो उन्हीं भाई का ये कमेंट था कि सर, आपने कहा था कि 90% डिसलाइक मिल जाए तो उस वीडियो को व्यू नहीं मिलते हैं YouTube की तरफ से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं हमेशा आपके वीडियो डालते ही 5-6 सेकंड के अंतर्गत डिसलाइक कर देता हूं, जिससे कि आपको 100% डिसलाइक मिल जाते हैं।
और तो भी आपके जो वीडियो है उस पर व्यू आना बंद नहीं होते हैं, तो ये आपने कैसे बताया था? मैंने कहा था दोस्तों कि किसी भी वीडियो को यदि 100% या 90% डिसलाइक मिल जाते हैं तो जो हमारा यूट्यूब है उसका जो प्रोग्राम है उस वीडियो को आगे सजेस्ट नहीं करता, यानी बढ़ाता नहीं, तो उसके व्यू वहीं की वहीं रुक जाते हैं। लेकिन मेरा यह होता है कि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो 1000 के पार पहुँच रहा है। तो ये भाई थे, तो मैंने इनसे पूछा कि आप मेरी डिसलाइक कर रहे हो, मुझसे ये जानना चाह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और ये मैं जानना चाह रहा था कि ये सच है कि नहीं है। तो मैं इसके बारे में भी बता दूं कि जितने भी यूट्यूबर हैं, ये लाइक और डिसलाइक का क्या होता है दोस्तों, कि पहले तो ये रहता है कि आपके जो 3 घंटे होते हैं उसके अंतर्गत आपको कितने लाइक और डिसलाइक मिले हैं उस पर होता है। जैसे इन भाई ने क्या सोचा कि मैं 3 सेकंड के अंतर्गत यदि डिसलाइक देता हूँ तो मेरा 100% हो गया, क्योंकि लाइक तो एक मिला नहीं और डिसलाइक एक मिल गया तो 100% हो गया। लेकिन धीरे धीरे फिर 2 लाइक हुए, 3 लाइक, तो वो 1 डिसलाइक है वो वहीं रह जाता है और 100 लाइक्स मेरे वीडियो को मिल जाते हैं। और 100 लाइक पर 5-6 डिसलाइक मिल गए तो 94% लाइक हो गए और 6% डिसलाइक हो गए, तो मेरा वीडियो जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो किसी भी वीडियो को डिसलाइक मिलने का अर्थ ये होता है कि 3 घंटे के अंदर उसे 90% डिसलाइक मिले हो, तब वो वीडियो पर व्यू नहीं आते हैं। सेकंड ये रहता है कि जो डिसलाइक आप जिस आईडी से कर रहे हो, यदि वो आईडी हमेशा डिसलाइक करता है हर एक वीडियो को जाकर, तो उसके डिसलाइक नहीं गिनता है हमारा यूट्यूब का सॉफ्टवेयर, वो उनके डिसलाइक गिनता है जो हमेशा हर वीडियो को लाइक करते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर एक वीडियो को उन्होंने डिसलाइक किया तो उसका वो डिसलाइक गिनता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये पर्सन हमेशा लाइक करता है लेकिन इस वीडियो को डिसलाइक किया तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। लेकिन जो होते हैं इंसान जो हर एक वीडियो को डिसलाइक करते चले जाते हैं, उनके वो डिसलाइक नहीं मानता है। तो ये होता है लाइक और डिसलाइक का। इसके अलावा ये होता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो खासकर इतना ही है कि लाइक या डिसलाइक का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक वो 90% पर ना पहुंच जाए 3 घंटे में। तो यदि आपको जो भी ये महेंद्र भाई हैं, जो भी महेंद्र भाई जी ने पूछा था कि सर आपके वीडियो पर मैं 3-4 सेकंड के अंदर ही एक डिसलाइक मार देता हूं, फिर भी आपका वीडियो 1000 पार हो जाता है, तो मेरी वीडियो को रोकने के लिए करीबन आपको 3 घंटे के अंदर जितने भी मेरे लाइक हुए हैं, जैसे कि 3 घंटे में मान लो मेरे 300 लाइक मिल गए हैं, तो आपको 90% डिसलाइक लाने पड़ेंगे मेरे वीडियो पे, तब वो जाकर रुकेगा। वैसे मेरे वीडियो को आप क्यों रोकना चाह रहे हैं मुझे इसका मालूम नहीं पड़ा। और आप भी एक यूट्यूबर हैं, मेहनत कर रहे हैं और सेम फील्ड में हैं, इसी शिक्षक पर बना रहे हैं, तो फिर हमारी लड़ाई कैसी? तो आपको पसंद नहीं आया मेरे वीडियो को तो मुझे बताएं, मैं उसमें सुधार जरूर करूंगा। तो दोस्तों यही था कि आप बिल्कुल तैयारी जारी रखें, क्योंकि हम यदि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अनुसार चलें तो 29 दिसंबर को आपके यदि पेपर होने थे तो उनका 1 महीना आगे बढ़ाया है, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि 1-1 महीने आपकी डेट्स आगे बढ़ा दी गई है। तो बिल्कुल आप ये मानकर चलें कि यदि बाई चांस 29 दिसंबर को या 19 फरवरी को आपके एग्जाम होती है तो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। वैसे उन्होंने कहा यह कि इसकी से डेट घोषित की जाएगी, तो हम डेट का भी इंतजार कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी करते चले। हो सकता है 15-20 तारीख तक कोई ऐसा नोटिस आ जाए जिसमें डेट आपकी आ जाए, और मुझे पूरा यकीन है कि इतने 15 या 20 तारीख में ही आ जाएगा, क्योंकि 1 महीने ही आपकी डेट्स आगे बढ़ाई गई। तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ाई करें और सफलता अर्जित करें, और मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके पास सही सही न्यूज लाता रहूंगा, और आप भी मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमारा एक परिवार है यूट्यूब का जिसके 2 सदस्य ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है, तो उनके लिए वे तहे दिल से धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों हैप्पी संडे, और हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो और मेहनत करते रहो। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।